दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर को जो है वो ऑन कर लेना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन कर लेते हैं और ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करने के बाद आपको साइड में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? आपको ये यहाँ पे इस टाइप से दिख रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लूटूथ का, ठीक है? आपको इस पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे गो टू सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। गो टू सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा इस टाइप का इंटरफेस। और अगर आपको यहाँ पे ये यह नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक स्टार्ट बटन दिखेगी, आप इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्लूटूथ लिख करके जब सर्च करेंगे तो आपको ये ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस सेटिंग्स दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक कर लीजिए और आपको उसी टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड डिवाइस दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐड डिवाइस पर। उससे पहले आप यहाँ पे ये ब्लूटूथ ऑन कर लीजिएगा, ओके? तो ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्लूटूथ पर, ठीक है? ब्लूटूथ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपका स्पीकर दिखा देगा। तो आप अपने स्पीकर पे, जो भी आपका स्पीकर का नेम हो, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिंग इस टाइप से दिखाएगा आपको, और ये जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे डन कर लीजिए, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। और इसको डिसकनेक्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, डिसकनेक्ट पे क्लिक करके इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।